Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों हम जो है अभी tenses कर रहे थे तो उसी को अभी हम continue करते हैं. अगर आपको कोई doubt है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. तो बच्चों जैसे हमने देखा था कि अभी definition पढ़ी थी, उसके types देखे थे, और अब हम जो है tense पढ़ने से पहले कुछ बातों को हमें ध्यान में रखना है, हमें पता होना चाहिए, you should know. तो वो जो है जैसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर है या फॉर्म्स ऑफ द वर्ब है या फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है, ग्रामेटिकल पर्सन है, का हमेशा हम जो है कंफ्यूज रहते हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है. तो वो चीजें आपको जो है क्लियर होनी चाहिए. और फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, तो ये जो है आपके अभी छुट्टियां पड़ने वाली है तो आप लोग जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है जरूर याद करें, क्योंकि टेंसेज में भी हर जगह जो है यूज होता है कि फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है. तो आप लोग जो है इस चीज का ध्यान रखें और छुट्टियों में जो है रिवाइज करें और ज्यादा से ज्यादा जो है ट्रांसलेट करने की कोशिश करें. तो आगे आपको जो है क्योंकि बोर्ड क्लास है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों जैसे हमने जो है टेंस की डेफिनेशन देखी थी कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन. क्लियर? तो डेफिनेशन क्लियर होगी होगी. हमने देखा थ्री टाइप्स के जो है टेंसेज होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. कि कोई भी हम काम करते हैं या तो हम प्रेजेंट में करेंगे या पास्ट में हम कर चुके होते हैं या हमें फ्यूचर में करना होता है, प्लानिंग होती है हमारी. तो तीन जो है हमारे टेंसेस होते हैं, बेसिकली उन्हीं से हमें पता चलता है कि जो भी हम एक्शन कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, किस समय कर रहे हैं, प्रेजेंट में, वेदर वी आर डूइंग इट इन द प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में, या वी आर प्लानिंग टू डू इट इन द फ्यूचर. क्लियर? तो उससे पहले जो है जो हमने तीन स्लाइड्स में हमने पहले देखा था कि हमने टेंस को जो है फर्दर डिवाइड करा था. तो टोटल वी हैव 12 टेंसेस. तो ये टेंस शुरू करने से पहले मैंने जैसे पहले बताया था कि यू शुड नो थ्री थिंग्स दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग टेंसेस मच बेटर. तो फर्स्ट वन इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें आपको जो है सब्जेक्ट बताना चाहिए. कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें जो है यू शुड नो कि उसमें जो है सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है. उसी के अकॉर्डिंग जो है आप जो है टेंसेस को जो है वर्ब की फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं. अगर प्लूरल है तो उसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे. अगर टेंस के प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तो ये बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट है. जैसे हमने यहाँ पे लिखा था, अगर प्लूरल है, वे पत्र लिखते हैं, राइट? तो एक्शन क्या है यहाँ पे? लिखना. तो राइट क्या हो गया आपका? एक्शन. तो दे राइट अ लेटर, वे पत्र लिखते हैं. क्या लिखते हैं? पत्र, अ लेटर. तो लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. कौन लिखता है? वे. तो वे क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. सिमिलरली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में राम पत्र लिखता है, ये सिंगुलर है. राम इज योर प्रॉपर नाउन. तो राम क्या लिखता है? पत्र. तो पत्र क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. लिखना क्या हो गया आपका? एक्शन है. तो राइट इज योर वर्ब. राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. सिमिलरली अगर हम इसको किसमें करते हैं? पास्ट एंड डेफिनेट में करते हैं. राम रोट ए लेटर. तो राम क्या आपका? सब्जेक्ट. क्या लिखा? पत्र. दैट इज योर ऑब्जेक्ट. एक्शन क्या है? रोट. नेक्स्ट इज योर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो थ्री फॉर्म्स जो है आपको याद होने चाहिए, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, एंड नेक्स्ट इज योर, इसको हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं बच्चों, आईएनजी फॉर्म. जैसे ईट, एट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म ईटन, ईटिंग. अगर यहां पे जो है हमने क्या देखा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है यहाँ पे? ईट. तो ईट प्लस आई एन जी, ईटिंग. तो दैट इज योर फोर्थ फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल. उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ईट, एट, ईटन. तो हमारी फर्स्ट फॉर्म क्या है? ईट. तो ईट के आगे अगर हम आई एन जी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? फोर्थ फॉर्म, दैट इज योर ईटिंग. क्लियर? लेट्स सी द एग्जाम्पल. ईट से हमारे क्या बनेगा? आई ईट फूड. पास्ट में क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करिए, आई एट फूड. अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, पास्ट टेंस में यूज करते हैं, ईट या ईट्स, ही ईट्स.
तो ईट हम कहाँ यूज करते हैं, या ईट हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहाँ यूज करते हैं, प्रेजेंट में यूज करते हैं, या आईएनजी फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, आई हैव ईटन फूड, तो हैव के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव, हैज, हैड, तीनों के साथ हम क्या यूज करते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब किसके साथ यूज करते हैं, हैज, हैव, हैड। तो ये आगे जो है क्लियर हो जाएगा आपको, जो हम टेंसेस करेंगे, परफेक्ट टेंस करेंगे, तो उसमें आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा यूज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं। और थर्ड फॉर्म हम कहा यूज करते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस, जब अभी इसके बाद हम करेंगे एक्टिव पैसिव वॉइस, जब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि थर्ड फॉर्म जो है हम वहां पे भी यूज करते हैं, जब वी ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, ईटिंग, ये हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, कहाँ यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो इस तरह से हम जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब आपको याद होना चाहिए, सिंग, सैंग, संग, क्लियर, गो, वेंट, गॉन, रिंग, रैंग, रंग, गिव, गेव, गिवन, गिविंग, अगर गिव में आई एन जी लगा देंगे क्या बने, गिविंग। तो इस तरह से आपको जो है फोर फॉर्म्स को जो है याद करना है, अभी छुट्टियों में जो है आप यही काम करेंगे, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है आपको याद होने चाहिए, अदरवाइज जो है फोर्थ फॉर्म आप अपने आप बनाएंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट जो फॉर्म होती है उसमें आई एन जी लगा देंगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। ये थ्री फॉर्म्स आपको याद करनी है, किस तरह से याद करनी है ये आप जो है बुक में देखेंगे कि जो फॉर्म्स ये रहती है उसको लर्न करेंगे। ईट, एट, इटन, जैसे अभी मैंने बताया आपको, रिंग, रैंग, रंग, सिंग, सैंग, संग, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्या आपको ध्यान में रखना है, ग्रामेटिकल पर्सन। अब ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है बच्चों, फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन होता है। अब बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, अरे भाई सेकंड पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन कौन सा। तो बच्चों ये आप ध्यान में रखें, ग्रामेटिकल पर्सन मीन्स सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में हम यूज करते हैं आई और मी, प्लूरल अगर हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, हम, तो वी। बट जब हम सेकंड पर्सन की बात करते हैं सिंगुलर और प्लूरल में तो दोनों में एक ही यूज करते हैं, सिंगुलर के लिए भी हम यूज करते हैं तुम, प्लूरल के लिए भी हम क्या यूज करते हैं, तुम, यू। तो सिंगुलर और प्लूरल अगर सेकंड पर्सन की बात करेंगे, क्योंकि आगे आगे अगर आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट करेंगे तो उसमें आपको यूज होंगे कि सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन का यूज करते हैं, कैसे उनको चेंज करते हैं, क्या रूल्स है अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल पर्सन, क्लियर। तो अभी आपके जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए कि सेकंड पर्सन क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल में हम यू यूज करते हैं और फर्स्ट पर्सन में आई, मी और प्लूरल में वी। नाउ कम टू द थर्ड, दैट इज योर थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो ही, शी, इट। ही, शी, इट क्या है बच्चों, सिंगुलर, थर्ड पर्सन है, और अगर हम प्लूरल की बात करेंगे तो दे, वे। वे क्या है हमारा, प्लूरल, थर्ड पर्सन। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, इनके साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म्स को यूज करते हैं, वो जो है अभी हम जब पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, या फ्यूचर टेंस, या प्रेजेंट टेंस, या पास्ट टेंस हम करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस पर्सन के साथ हम, या फर्स्ट पर्सन के साथ हम एस और यस लगाते हैं, या सेकंड पर्सन के साथ हम क्या यूज करते हैं, कहाँ पे हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, कैसे करते हैं, तो ये आपको तब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो है आपको तीन बातों का ध्यान में रखना है, एक तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, तीन चीजें आपको मोस्टली जो है ध्यान में रखनी है। वर्ब में एक होता है मेन वर्ब होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ब, तो दोनों का ध्यान में रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कौन से फॉर्म को यूज करेंगे। तो अभी हम टेंसेस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा आपको फॉर्म्स ऑफ द वर्ब जो है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म किस तरह से याद करनी है वो आप याद करेंगे, और कैसे आपको यूज करनी है वो अभी हम टेंसेस के अकॉर्डिंग करेंगे। नेक्स्ट इज योर ग्रामेटिकल पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर और प्लूरल में हम क्या यूज करते हैं, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये जो है आपका एक कंसोलिडेटेड जो है चार्ट है आपका,
कि प्रेजेंट टेंस में और उसमें हम कौन कौन से रूल जो है हम फॉलो करते हैं। क्लियर? तो आप लोग जो है ध्यान से देखें और फिर हम जो है एक एक को जो है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल आपको क्लियर कराएंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। अगर आपके टेंसेस क्लियर होंगे तो आप जो है कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं, कंपोजिशन लिख सकते हैं और लेटर राइटिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी टॉपिक नहीं, अगर आपके टेंसेस क्लियर है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्लियर? तो फर्स्ट प्रोग्रेसिव को हम कंटिन्यूस टेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें, सिंपल फॉर्म्स या इंडेफिनिट, प्रोग्रेसिव कंटिन्यूस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रोग्रेसिव मींस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, सिंपल फॉर्म या इंडेफिनिट। पहला आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो इसमें हम क्या यूज करते हैं बच्चों, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म V1 प्लस S और ES। जैसे गो के साथ क्या यूज करेंगे, गोस, ES, थिंग्स, SINGS, सबके साथ ES नहीं लगाते, कुछ वर्ड्स होते हैं थिंग्स। तो ये भी इसके भी फॉर्म है कि वर्ब के फॉर्म्स के कहां हम S लगाते हैं, कहां हम ES लगाते हैं। तो ये भी आपको पढ़ा होगा 6th, 7th, 8th में कि वर्ब के फॉर्म्स के साथ हम किसके साथ एस और ईएस लगाते हैं। तो सिंग के साथ हम क्या लगाते हैं, एस, सिंग्स, गोस, कीज, KEYS, थिंग्स, कोई भी एक्शन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोली हमने, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, एस और ईएस, सिंग्स, रिंग्स, रिंग द बेल, द पियोन रिंग्स द बेल। क्लियर? तो एक्शन जहां पे होगा, वर्ब जहां पे होगा, वहां पे हम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस और ईएस लगाते हैं। क्लियर? सिंग्स हो गया, गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्लियर? परंतु अगर हम प्लूरल, तो यहां पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जब हम टेंसेस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट करते हैं तो प्लूरल के साथ दे, यू, वी और आई सिंगुलर, उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो ये जब हम टेंसेस करेंगे तब आपको जो है एक एक स्टेप जो है क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पे जो है लिख देती हूँ मैं आपको कि किसके साथ एस और ईएस लगाना है और किसके साथ नहीं लगाना है। ही, शी, इट के साथ क्या लगाना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, आई, यू, वी, दे, ये सारे प्लूरल हैं बच्चों। अभी हमने पढ़ा था आई क्या हमारा सिंगुलर है, बट इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो ही, शी, इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। जैसे ही गोज, ही राइट्स, शी राइट्स। क्लियर? तो यहां पे हम आई, यू, वी, दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, सारे प्लूरल है बट आई इज योर सिंगुलर। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, एम इज आर प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। क्लियर? अभी हमने पढ़ा था आई एन जी फॉर्म कौन सी होती है, जैसे आई एम ईटिंग फूड, तो आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम। इस किसके साथ यूज करते हैं, ही, शी, इट। क्लियर? ही, शी, इट के साथ। आर किसके साथ करते हैं हम यूज, यू, वी, दे। यू आर राइटिंग अ लेटर, वी आर राइटिंग लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर,
आई एम राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर, शी इज राइटिंग लेटर, इट इज रेनिंग. तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि आई एम किसके साथ यूज करें, आर किसके साथ यूज करें, यू यू वी दे के साथ हम क्या, प्लूरल है तो प्लूरल, तो क्या है, इस हम सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, एम हम आई के साथ यूज करेंगे बच्चों, और आर जो है हम प्लूरल के साथ यूज करेंगे. क्लियर. नेक्स्ट इज योर परफेक्ट फॉर्म्स. अब परफेक्ट फॉर्म्स में भी जो हैव और हैज किसके साथ यूज करते हैं इंडिविजुअली, लेट्स सी. हैव हम किसके साथ यूज करेंगे और हैज, तो हैव बच्चों हम किसके साथ यूज करेंगे, आई यू वी और दे. हैज हम यूज करेंगे ही शी इट. क्लियर. आई हैव डन माई वर्क. और यहां पे देखो आप क्लियर है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो आपने देखा कि हर जगह जो है हमारी वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स को हम यूज कर रहे हैं. यहाँ पे कंटीन्यूअस में हमने आईएनजी फॉर्म यूज करी है, यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करा है, यहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करी है परफेक्ट फॉर्म्स में. आगे हम अलग अलग पढ़ेंगे इसको, एक ये मैंने एक कंसोलिडेटेड जो है आपको चार्ट बना के बताया है. तो यहाँ पे जो है आई हैव डन माई वर्क, ही हैज डन हर वर्क, शी हैज डन हर वर्क, ही हैज डन हिज वर्क. ठीक है, तो इस तरह से जो है ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं, कैसे हैज और हैव यूज करते हैं, ये आपको क्लियर कराया कि आई हैव डन माई वर्क. क्लियर. तो नेक्स्ट है आपका परफेक्ट प्रोग्रेसिव, मीन्स परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. इसमें हम हैव और हैज सेम है, किस तरह से हम यूज करते हैं, उसमें हम जो है एक जो है कॉन्टिन्यूस टेंस को और परफेक्ट टेंस को जो वर्ड कंबाइन करता है, जोड़ता है, दैट इज योर बीन. आई हैव बीन वर्किंग फॉर टू डेज. क्लियर. तो इस तरह से जो है आई हैव बीन डूइंग माई वर्क फॉर टू डेज, राइट. तो यहाँ पे अभी हम सिंस और फॉर का डिफरेंस बताएंगे क्लियरली आपको, जब हम ये टेंस करेंगे इंडिविजुअली. यहाँ पे जो है हम सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं वी टू, एट, सैंग, वेंट. वी टू चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम कौन सी यूज करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई वेंट टू स्कूल, आई रोट अ लेटर, शी रोट अ लेटर, दे रोट अ लेटर. तो सबके साथ कोई डिफरेंस नहीं है, सबके साथ हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. यहाँ पे वॉज और वर्ब, वॉज और वर्ब हम किसके साथ यूज करते हैं, ही शी इट सिंगुलर के साथ, ही शी इट, और आई के साथ भी हम क्या यूज करते हैं, वॉज. यहाँ पे डिफरेंस देखा था, आई के साथ हमने एम यूज करा था, बट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम आई के साथ क्या यूज करेंगे बच्चों, वॉज. वर्ब किसके साथ यूज करेंगे, जितने हमारे प्लूरल बचे हैं, दे, यू, वी. क्लियर. दे, यू और वी तीनों के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब. आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं लिख रहा था. दे वर, यू वर, वी वर. क्लियर. नेक्स्ट इज परफेक्ट फॉर्म्स. परफेक्ट फॉर्म्स में क्या होता है कि हैड चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम हैड यूज करते हैं. जैसे हमने देखा था, कंपेयर करते रहे आपको, क्योंकि टेबल बनी है तो कंपेयर करते रहे कि परफेक्ट, अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें तो उसमें हैज और हैव हम यूज करते हैं, और किस तरह से यूज करते हैं अभी हमने जो है डिस्कस करा था. नेक्स्ट इज योर हैड के साथ हमेशा क्या करते हैं, हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करते हैं. ही हैड डन, आई हैड डन. तो चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ हमें हैड और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है. सेम इन द परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी सेम बीन वर्ड को यूज करना है, हैड बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी,
और यू कैन से आईएनडी फॉर्म को हम यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस, कंप्लीट और इनकम्प्लीट. नेक्स्ट है हमारा विल और शैल. अब हम कहाँ विल यूज करते हैं, कहाँ शैल यूज करते हैं. जब हम फ्यूचर टेंस करेंगे तब हम आपको बताएंगे कि अगर हम प्रॉमिस करते हैं तब हम जो है फर्स्ट पर्सन के साथ जो है आई और वी के साथ जो है क्या यूज करते हैं, शैल करते हैं, विल करते हैं. अगर कोई प्रॉमिस नहीं करनी है, जनरल हमने बात करनी है, तो हम क्या यूज करते हैं, शैल. तो विल और शैल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई विल गो, जैसे यू विल गो, आई शैल गो, ठीक है, आई शैल राइट. तो किस तरह से यहाँ पे यूज करते हैं, ये जब हम फ्यूचर टेंस करेंगे तब हम जो है क्लियर हो जाएगा. विल बी, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, विल बी और शैल बी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेम वी थ्री. विल हैव बीन और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आई एन जी. अभी हम जो है एक एक करके टेंसेस करेंगे तो आपको जो है सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी कि कहाँ पे हम किसके साथ क्या करेंगे. तो ये एक कंसोलिडेटेड जो है चार्ट है, आप इसको याद कर लें कि कहाँ पे हमें कौन से जो है रूल को फॉलो करना है. टेंस क्लियर, तो फर्स्ट एक एक करके हम करेंगे तो आप लोग जो है अच्छी तरीके से याद करें क्योंकि अभी हमें आगे जो है टेंसेस पे ही बेस्ड होता है और एग्जाम में भी आता है यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो आपको वर्ब की वर्ब दिया रहेगा, उसके करेक्ट फॉर्म को आपको यूज करना है. तो जब तक आपको टेंसेस नहीं क्लियर होंगे तब तक नहीं आप फिल कर सकते हो. तो फर्स्ट है बच्चों आपका प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस. क्लियर, तो प्रेजेंट इन डेफिनेट, प्रेजेंट टेंस जो है हमारे फोर में डिवाइड होते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बच्चों. तो प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस, तो प्रेजेंट इन डेफिनेट, इन डेफिनेट से ही पता है कि जो भी हम काम करते हैं प्रेजेंट इन डेफिनेट में तो वो क्या है, अनिश्चित अनसर्टेन है. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन एन इवेंट और कंडीशन that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. क्या मतलब है इसका, the present, the simple present is used to describe an action or event or condition that is occurring in the present at the moment. जिस समय हम पढ़ते हैं या हम बोल रहे हैं उस समय जो काम हो रहा है उस moment में उसे हम कहते हैं present in definite tense. अब इसका सिंपल रूल क्या है बच्चों, एस फॉर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. एस क्या है यहाँ पे आपका सब्जेक्ट, तो सेम है जो मैंने वहां पे लिखा था, बट यहाँ पे ये क्लेरिफाई नहीं है कि कहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं. ही He, she, it के साथ हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस. आई यू वी और दे सारे प्लूरल हैं एक्सेप्ट आई इज योर सिंगुलर, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं हम क्योंकि सारे क्या है हमारे प्लूरल है I. तो इसको एक डिफरेंट इसलिए दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि इट इज खाली आई इज सिंगुलर, अदरवाइज यू वी दे आर प्लूरल. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. क्लियर, इसी में अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या यूज करते हैं हम, नेगेटिव टेंस में हम यूज करते हैं डू और डस. डू और डस, नॉट, डू नॉट, डस नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब.
तो ये अकॉर्डिंगली हम यूज करते हैं. डस हम किसके साथ यूज करते हैं? ही शी इट के साथ हम डस नॉट यूज करते हैं. आई यू वी दे के साथ हम क्या करेंगे? डू. सिमिलरली अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो यही हमारे हेल्पिंग वर्ब्स क्या आ जाएंगे? आगे आ जाएंगे सब्जेक्ट से, बिफोर द सब्जेक्ट. डज शी राइट अ लेटर? ठीक है, तो डज, तो शी शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे? डज. चाहे वो इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डज नॉट और डज शी, डज ही, डू आई, डू दे, डू वी. क्लियर? तो ये हेल्पिंग वर्ब है, किस तरह से इनको यूज करना है, लेट्स सी. तो फर्स्ट क्या है आपका? फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस, जो हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं. पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है, जो हम पॉजिटिव बोलते हैं, नेगेटिव नहीं बोलते जिनमें. तो अभी हमने क्या देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी इट के साथ हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस. आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो आपने नोटिस किया होगा कि सारे जो हैं प्लूरल हैं एक्सेप्ट आई. तो आई के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर नहीं लिखते हैं. क्लियर? आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग्स नहीं होता है. क्लियर? सिमिलरली नेगेटिव टेंस होते हैं या नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, राइट? नेगेटिव सेंटेंसेस, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? डू और डज नॉट का यूज करते हैं. डू और डज नॉट, तो डू ऑब्वियस है, आई यू वी दे के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट, और डज नॉट हम यूज करते हैं ही शी इट, शी डज नॉट, ही डज नॉट. क्लियर? फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस. जितने हमारे पॉजिटिव सेंटेंस होंगे उसमें जो है हम क्या यूज करते हैं उनको बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाता है. या राम सिंग्स अ सॉन्ग, ही के जगह हम क्या लिख सकते हैं? राम. राम गाना गाता है, राम सिंग्स अ सॉन्ग. प्लूरल में हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? दे सिंग अ सॉन्ग, दे गाना गाते हैं. अगर हम आई लिखेंगे इसकी जगह तो क्या होगा बच्चों? आई सिंग अ सॉन्ग. क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा? आई यू वी दे के साथ हम सिंपल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी होगी आपकी? सिंग, सिंग. तो सिंग्स यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? सिंग्स. तो आपको यहाँ पे क्लियर भी हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हम जो है, ही क्या है आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है आपका वर्ब, सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट. तो ये भी क्लियर होना चाहिए कि वर्ब क्या है. वह गाता है, क्या गाता है? गाना. तो गाना क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. गाना गाता क्या हो गया आपका? वर्ब. कौन गाता है? वह. तो वह क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. तो सब्जेक्ट वर्ब, सॉन्ग इज योर ऑब्जेक्ट. सिमिलरली आई सब्जेक्ट है, सिंग आपका वर्ब है, सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. दे सिंग ए सॉन्ग, वे प्लूरल है. क्लियर? अगर जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या है ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा. तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको चेंज नहीं कर सकते, या हमारी कोई हैबिट होती है, डेली होती है ना, किसी की हैबिट होती है, तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं. जैसे वी वॉक डेली, तो ये भी यहाँ पे भी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है. कोई भी हमारा जो हैबिट होती है या स्वभाव होता है किसी का, जैसे कुत्ते भौंकते हैं तो हम बोलेंगे डॉग्स बार्क. क्या है ये? हैबिट है, क्योंकि डॉग का काम क्या है? भौंकना है. तो डॉग बार्क, दैट इज द हैबिट है, उसकी स्वभाव है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ क्या कौन सा टेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट. तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमती है, ये भी क्या हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है. तो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो दो चीजों का आप ध्यान में रखें कि कौन कौन से रूल्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, जो रूल कौन सा है ये है रूल, और किस तरह से यूज करना है वो यहाँ लिखा है, और सेंटेंस कौन सी होती है? यूनिवर्सल ट्रूथ,
हैबिटेट किसी की हैबिट होती है वो जो है इसमें आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. नाउ कम टू द नेक्स्ट दैट इज योर नेगेटिव सेंटेंसेस. जैसे अभी मैंने बताया था कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं, डू एंड डस. तो यहाँ पे देखें आप, आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको क्या लगाना है, नॉट. तो आई के साथ क्या आएगा, आई डू नॉट, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको. तो डू किसके साथ यूज होते हैं, आई यू वी दे डू नॉट. सिमिलरली डस किसके साथ यूज करते हैं बच्चों, हम ही शी इट. तो यहाँ पे एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा, आई डू नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर, ही डज नॉट राइट अ लेटर. ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की प्रश्नवाचक जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हमारा हेल्पिंग वर्ब किससे पहले आ जाता है, बिफोर द सब्जेक्ट. और सब्जेक्ट क्या है, इसीलिए मैंने पहले बताया था आपको कि सब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए, वर्ब कौन सा होना चाहिए और ऑब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए. तो ये क्या है आपका सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, मेन वर्ब. डू आई गो टू द मार्केट, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें. डज शी राइट अ लेटर, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा मेन वर्ब. डज शी राइट अ लेटर, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, जब हम क्यों कैसे कब का वर्ड यूज करते हैं तो सेंटेंस वैसे ही रहता है, उसको हम बिफोर द हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं. तो बच्चों आज हमने टेंसेस पढ़े हैं और आई होप आप लोगों की क्लियर हो गए होंगे डाउट्स. और कहीं पे भी अगर कोई आपको अभी भी डाउट लगता है तो आप जो है घर में रिवाइज करें और नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोग उसको हैंड रेज करके पूछ सकते हैं. तो यहाँ पे आज आपका होमवर्क है कि घर में जाके प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने सेंटेंस आप बना सकते हैं घर में जाके बनाएं और उसको एक पैराग्राफ के रूप में लिखें. जैसे मैं, क्योंकि अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा है कि मैं घर जाता हूँ या स्कूल जाता हूँ, खाना मम्मी खाना पकाती हैं या मम्मी खाना बनाती हैं, मेरे जो है सिस्टर ने जो है, जो भी आपको करना है उसको जो है ता है ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आपको करने, क्योंकि आज हमने वही पढ़ाया है. तो घर में एज मैनी एज जो है आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, उतने आप सेंटेंसेस को ज्यादा से ज्यादा लिखें. मैं खाना खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मम्मी खाना बनाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं. तो जितने आपके माइंड में सेंटेंसेस आते हैं सिंगुलर प्लूरल, तो उनको आप बनाने की कोशिश करें. दैट्स ऑल फॉर टुडे. रिवाइज जरूर आप घर में करें, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कहाँ आपकी समझ में नहीं आया है. क्लियर? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. टेक केयर.